ये है वो मॉल जिसका मैं बता रही थी आपको। ओरिजिनल लिवाइस की शर्ट्स हैं और नाइट गाउन्स हैं और टू पीस जो होते हैं सिल्क के, हिजाब डिफरेंट स्टफ के और डिफरेंट जो सिंगल कलर के हिजाब हैं, ये इतने ट्रेंडी हैं। और पाया के तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी वेराइटी, 30, 35 या 40 दिरहम से स्टार्ट होंगी। और ये एक टिपिकल अबाया है जो अरबी खवातीन पहनती हैं उनके जैसे। अब ये है, ये बैग्स थे अलग अलग प्राइजेस के, अलग अलग और पीस था जो हम लोगों ने फिर उस बेबी बॉय के लिए लिया है, आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग आज जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। हमारे एक दूर के रिलेटिव हैं, उनका माशाल्लाह से न्यू बॉर्न बेबी हुआ है और बेबी बॉय, तो हम लोग जा रहे हैं उसकी शॉपिंग करने के लिए, उसके थोड़ा सा गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए। और इधर रासल खैमा में एक मार्केट है जहाँ पे सारे ब्रांडेड क्लोथ्स मिलते हैं, बट बहुत ही मुनासिब प्राइजेस में और चीप प्राइजेस जैसे आप कह लेंगे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं सर्वे के लिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम गए थे तो वहाँ पे काफ़ी वैरायटी है। तो आई सेड टू जैन के चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं मे बी हमें वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए, तो जो कि उम्मीद है मिल जाएगा। तो हम भी सर्वे करेंगे और आपको भी सर्वे करवाते हैं उस मार्केट का, और नाम वहीं जाके डिस्क्लोज करेंगे कि कौन सी मार्केट है, आप लोगों लेके चलते हैं। ये है वो मॉल जिसका मैं बता रही थी आपको, दारुल करामा। यहाँ पे सब ब्रांडेड क्लोथ्स मिलते हैं, हर चीज़ है मैन, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ सारे। अब ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से हम आते हैं। नीचे का जो फ्लोर है काफ़ी बड़ा मॉल है, और उन्होंने मतलब लाइक डिवाइड किया हुआ है, एक पोर्शन सारा मेल गारमेंट्स का, एक फ़ीमेल गारमेंट्स का। तो अब ये जैसे शर्ट्स हैं यहाँ पे 899, 799 दिरहम्स की, और ये सारे मतलब बहुत हाई क्वालिटी की हैं। कॉटन है तो बहुत फ़ाइन कॉटन है, जर्सी है तो बहुत फ़ाइन जर्सी है। अब इसकी प्राइस आप देख लें 12 दिरहम, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि ये कितनी मतलब रीज़नेबल प्राइस है। और इनके स्टफ़ अच्छे हैं, लाइक बीइंग ह्यूमन का लेवाइस के यहाँ पे अच्छी शर्ट्स थी, और ये ओरिजिनल है बिल्कुल, लाइक कॉपी नहीं है, यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ये ओरिजिनल लेवाइस की शर्ट्स हैं। और जितने भी ब्रांड हैं सब ओरिजिनल हैं और न्यू हैं सारे, और अच्छी फ़ाइन क्वालिटी में हैं, और ये इतने रीज़नेबल प्राइसेस में, लाइक 12, 14 दिरहम में। और फिर अब ये ट्राउज़र्स की तरफ हम आए थे, ये ट्राउज़र्स हैं इनके, तो इसके स्टफ़ अच्छा है, लाइक हल्का सा है। अच्छा, यहाँ पे विंटर का जो स्टफ़ था वो भी अवेलेबल था, बट ये कि उसका पोर्शन उन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ था, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं यहाँ पे, और गर्मियाँ अच्छी खासी अब बढ़ती जा रही हैं। हम लोग बस नेल सेक्शन में घूमते रहे, क्योंकि शॉपिंग तो ऐसा करनी ही थी, और लेकिन बस ये कि मुझे अपना वीलॉग रिकॉर्ड करना था आप लोगों के लिए, तो मैं फिर फीमेल सेक्शन में आई थी। ये सारे नाइट गाउन्स हैं और टू पीस जो होते हैं सिल्क के, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत इसका ट्रेंड चला हुआ है आजकल। और ये फुल लाइक नाइट गाउन्स, फुल लेंथ वाले, फुल फ्लोर लेंथ जो होती है वो भी है, और कॉटन स्टफ़ भी था, जर्सी स्टफ़ भी था। ये थोड़ा सा, ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा मोटा स्टफ़ है यहाँ पे, बट ठीक है, हर एक की कीमत 12 से 30 दिरहम के बीच में थी। तो लेकिन प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा दिल कर रहा था ले लूं, बट ये स्टफ़ मोटा था। तो शॉर्ट पजामा सेट भी थे, लॉन्ग भी थे, शॉर्ट मतलब जो आप बरमूदा जिससे कह लें, या नी से जो थोड़े से नीचे तक होते हैं, तो वो भी थे। फिर ये सारे हिजाब कैप्स और हिजाब्स की तरफ आए थे, तो यहाँ पे डिफरेंट भी है, सॉक्स भी लगे हुए थे, और जो ग्लोबन जिसे कहते हैं वो भी था, आर्म के लिए पूरा मतलब ग्लव्स जो फुल लेंथ के होते हैं वो भी थे। हिजाब डिफरेंट स्टफ़ के और डिफरेंट तरह के थे, मतलब एक तो पूरे बने हुए भी थे जैसे ये हैं हिजाब कैप्स की तरह, ये कैप्स थी, और एक सिंपल प्लेन हिजाब भी थे। तो हर तरह की यहाँ पे मतलब वैरायटी तो इतनी है कि आप बस सोचें कि मैं ये चीज़ ले, मुझे चाहिए, और आपको वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो अलग से डिफरेंट ये कैप्स भी थी, पी कैप्स तो, और मेल इसके साथ ही बिल्कुल मेल का जो सेक्शन है, क्योंकि साइड बाय साइड हैं दोनों, तो यहाँ पे मैं साथ ये भी देख रही थी, बेल्ट्स हैं, ये फीमेल मेल की हैं आदमियों की, तो ये उनकी बेल्ट्स थी, और ऊपर उनकी पी कैप्स हैं। साइड पे फिर हम आ गए थे, यहाँ पे हिजाब्स थे। अच्छा, ये जो सिंगल कलर के हिजाब हैं ये इतने ट्रेंडी हैं और ये इतने अच्छे लगते हैं, हर कपड़े के साथ आपके चल जाते हैं, जो आपने कपड़ा लेना हो तो वो थे साथ में, ये वाले थे, ये टेक्सचर थे, तो ये थोड़े लेस एक्सपेंसिव थे। जो प्लेन टेक्सचर थे वो ज़रा एक्सपेंसिव थे, लाइक वो 20-22 दिरहम के थे, ये 7-8 दिरहम के थे।
क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क था लेकिन अच्छे थे। साथ में फिर इनके आगे ही सेक्शन बना था, वहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी, ये टू पीस पजामा सेट की शर्ट और ट्राउज़र था तो इसकी ऑफ़र लगी हुई थी, तो ये थे। और ये बल्कि हल्के हल्के से, मतलब गर्मियों में फुल सड़ी हुई गर्मी में पहनने वाले, तो ये। फिर आगे हम चले गए थे यहाँ पे अबाया, और अबाया के तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी वैरायटी अबाया। और यहाँ पे ना फुल लेंथ के गाउन्स भी थे, गाउन्स इन अ सेंस के आप उसको एज अ शर्ट भी पहन सकते हैं। जैसे अरब के जो लोग हैं, ये यहाँ पे जो अरबी ख्वातीन हैं वो पहनती हैं अबाया के नीचे लाइक इस तरह के कपड़े पहनती हैं, और कुछ जो हैं इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं यहाँ पे, वो ये खाली ये पहन लेती हैं ऊपर अबाया, कुछ नहीं पहनते, हिजाब ले लेती हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। और इनकी प्राइस रेंज मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक ये 30-35 या 40 दिरहम से स्टार्ट होंगी और ये 80-85-90-95 मैक्सिमम 95 दिरहम तक जाएंगी, तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। फिर आगे अबाए थे। अच्छा, अबाए यहाँ पे दो अलग अलग तरह के हैं, एक तो टिपिकल अबाया है जो अरबी ख़वातीन पहनती हैं, उनके बिल्कुल मतलब फैंसी फैंसी से अबाए होते हैं, जैसे ये है। इसमें इस दफ़ा प्राइस टैग्स नहीं लगे हुए थे लास्ट टाइम, बट जब मैं आई थी तो ये लाइक 100 और 150 की रेंज के बीच में थे। और दूसरे अबाए थे जो ज़्यादातर एशियंस पसंद करते हैं, जो सिंपल बिल्कुल होते हैं, जैसे ये अबाया है, ये 162 दिरहम्स का था, मुझे याद है, लाइक 162 दिरहम्स का, और ये सिंपल सिंगल कलर अबाया है। तो मैंने जो लिया था अपना, वो भी मतलब सिंगल कलर और बिल्कुल सिंपल अबाया लिया था, तो मुझे पर्सनली पसंद है। तो इस तरह की भी आपको हर वेराइटी, हर कलर यहाँ पर मिल जाएगा, और इस तरह के कलर्स मिलेंगे कि दिल करता है हर कलर ले लें इंसान। लाइक ये है, ये अबाया बहुत ही खूबसूरत है, और ये डबल है, अंदर से इसका प्लेन है और ऊपर इसके गाउन की तरह है, बट शोल्डर से वो स्टिच्ड है, तो ये भी मतलब थे। और इनका टेक्सचर यहाँ पे जो अबाया का जो स्टफ़ है ना, वो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो ये है कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप देख सकते हैं कि ये आप हैं सारे, और अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के, और हर कलर में, और ये सारे 150 से ऊपर के नहीं हैं, मतलब ये 85-95 दिरहम से शुरू होते हैं और ये मैक्सिमम 150 दिरहम तक हैं। तो ये इसमें आपको बड़े इजीली यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम लोग घूम रहे थे, सारा देख रहे थे। इसके बाद आगे जो, जैसे अब ये है, ये वाली चीज़ ना टिपिकल अरबी ख़वातीन पहनती हैं अबाए के नीचे, जो उनके मतलब ड्रेसेस होते हैं, जैसे हमारे शलवार कमीज़ उस तरह ये उनकी वेयरिंग होती है। तो यहाँ पे इसकी वैरायटी बहुत ही, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, हमारे पाकिस्तान में भी अब पिछले दिनों लास्ट ईयर में ये बहुत चला था, मतलब फ्रिल वाले कपड़े और ये इस तरह के। तो इस ये वाली चीज़ें, ये वैरायटी बहुत ही मतलब मल्टी कलर में और पूरा प्रिंटेड। उसके बाद आगे फिर शॉर्ट शर्ट्स थी, तो इसकी बहुत वैरायटी थी, हर साइज़ अवेलेबल था, हर कलर अवेलेबल था, और प्लस हर स्टफ़ अवेलेबल था। विंटर में आपको समर चाहिए, समर में आपको विंटर चाहिए, आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक इसका तो आप हिसाब ये कर लें कि यू थिंक ऑफ इट एंड दे हैव इट, तो इस तरह का इनका सिस्टम था। शॉर्ट शर्ट और जो हर मतलब लोग पहनते हैं, कुछ शॉर्ट पहनते हैं, कुछ नी तक पहनते हैं, कुछ नी से नीचे पहनते हैं, कुछ नी से ऊपर पहनते हैं, तो हर साइज़ यहाँ पे मतलब इनके पास सब अवेलेबल था। और प्राइजेस वही 12 दरम से 8 दरम 10 दरम से स्टार्ट होके और 20-25-30 तक थी। फिर ये नीचे वो थे बॉटम्स थे, तो बॉटम्स भी डिफरेंट तरह के थे, पैंट है, बॉटम है, ट्राउज़र है, प्लाजो था, टाइट्स थी, और जैसे ये पिछले अभी आपने देखा कि लहंगे की तरह के जो होते हैं वो भी थे, ये पता चलता है बच्चियां पहनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल से सारे। तो पैंट्स की तरफ फिर हम लोग आए थे, पैंट्स यहाँ पे बहुत अवेलेबल थी, डिफरेंट कॉटन थी, जीन्स थी, और कलर भी अलग अलग थे यहाँ पे। तो ये 20-25-30 दरम की, हर एक की प्राइस अलग अलग थी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी और स्टफ़, जिस जितना अच्छा हाई क्वालिटी का स्टफ़ था उसकी प्राइस इतनी थी, बट स्टिल दैट वाज रीजनेबल। फिर अलग सेक्शन एक बना हुआ था सारा परफ्यूम्स के, ये सारी लेडीज़ की साइड थी, यहाँ पे सारा फीमेल का सामान था, और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना कलरफुल सा, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए यहाँ पे चीज़ आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। जैसे हम अक्सर कहते थे कि यार पाकिस्तान में आप जाएँ स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ से आप छोटे छोटे पिन पोनियाँ उठा लेते हैं, तो यहाँ पर कहाँ से मिलेंगे UAE में, बट यहाँ पर बहुत वैरायटी थी। फिर हम बैग्स की तरफ आ गए आए देखने के लिए,
ऑल्दो हमें ये सारी शॉपिंग नहीं करनी थी, हमें बेबी बॉय की शॉपिंग करनी थी, बट मैं यहाँ पे अपना वीलॉग शूट करी थी कि यार चले मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ और मैं खुद भी ज़रा अपने एक दफ़ा लाइक विंडो शॉपिंग इट्स ऑलवेज एक्सेप्टेबल और बहुत मज़ा आता है। तो ये बैग्स थे अलग अलग प्राइजेस के, अलग अलग और सब की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बैग्स यहाँ पे नो डाउट बैग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और रीज़नेबल थी। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे, ऊपर का सेक्शन बच्चों के लिए ही है सारा, उनके टॉयज़, उनके कपड़े, उनके शूज़, उनकी हर चीज़ अवेलेबल, छोटे बच्चे से लेके 0 to 3 months से लेके आपको 12-15 साल के बच्चे की चीज़ें मिल जाएंगी। तो उनके टॉयज़ थे, रेटल्स थे, ये ब्लॉक्स वाले टॉयज़ थे, और बड़े बड़े छोटे छोटे हर साइज़ के, मतलब हर तरह के टॉयज़, मशीन से चलने वाले, रिमोट से चलने वाले, उनके बैठने वाले, तो ये जो बच्चे बैठ के मतलब ऐसी स्कूटी सी चलाते हैं, तो वो चीज़ थी यहाँ पे। और फिर मैं हम लोग फ्रॉक्स की तरफ आ गए थे बच्चियों के देखने के लिए, तो फ्रॉक्स हमने यहाँ पे देखी, उनके बॉटम्स थे यहाँ पे, और सब मतलब लाइक 30-40-50 दिरहम से ज़्यादा के नहीं थे। ये सारा कुछ देखा। फिर उनके सॉक्स थे, बिब्स थी यहाँ पे, और फीडर्स की इतनी वैरायटी थी यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मतलब देख के इतने अच्छे लगते हैं, हर तरह के फीडर्स यहाँ पे हैं और साइजेस हर तरह के यहाँ पे हैं। बच्चे के आपने वो लेने हैं 0 to 3 months के, तो उनके खुले कपड़े भी हैं जो पैकेट में होते हैं नेट की पैकिंग में, 3 पीस, और ये वाले पीस भी थे। तो हम लोग ने फिर यहाँ पे देखा, इस साइड पे हम लोग आए थे, यहाँ पे उनके शूज़ और बिब्स वगैरह थे। तो जैन यहाँ पे देख रहे थे, उनको एक पीस पसंद आया था, उन्होंने कहा कि मैं देख लेता हूँ, जो हम लोगों ने जिस बच्चे की बेसिकली जिसकी शॉपिंग के लिए हम यहाँ पे आए थे, तो उनको एक पीस पसंद आया था, उन्होंने कहा कि आप देख लो आके। तो मैंने फिर वो देखा, ये पीस था जो हम लोगों ने फिर उस बेबी बॉय के लिए लिया है, ब्लू कलर है, ज़ाहिर है आपको पता है लड़कों के लिए फिर ज़्यादा यही चलता है। तो हम लोगों ने फिर ये पसंद कर लिया था और इसकी हम लोगों ने फिर इसका बिल फिल करवा लिया था सर। फिर आगे हम मैंने कहा कि चले मैं एक चप्पल भी देख लूँ, क्योंकि मैंने घर के लिए चप्पल लेनी थी, उम्रे पे गए थे तो वहाँ पे मेरी गुम हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आई, मिली नहीं मुझे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फैंसी थी, बट स्टिल इट्स रियली रीजनेबल एंड सो कलरफुल। आप अपने हर तरह के कपड़ों के लिए ले हैं, आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगी, 20-30-40 दिरहम की है और आप पायदार हैं। तो अभी पिछले व्लॉग में आपने मेरा देखा होगा कि वो कितने कितने हाई प्राइजेस, 2500-3000 दिरहम की थी, और ये कहाँ वो और कहाँ ये। तो ऑफकोर्स क्वालिटी में और उसमें फ़र्क है, ब्रांड का फ़र्क है, बट स्टिल यार आप अपनी जेब के हिसाब से इंसान शॉपिंग करता है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोगों ने देखा, काफ़ी बड़ी जगह थी जहाँ पे, अब ये देख सकते हैं आप के यहाँ पे शूज़ ही शूज़ हैं, आदमियों के, औरतों के, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे थी। बस हम लोगों ने फिर अपनी जो लेनी थी है, तो मैंने सिर्फ उनके शूट करना था, तो मैं सारा घूमती रही, अपना हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी वो ली यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग लूलू चले गए थे, क्योंकि जैन ने वहाँ से अपने शूज़ लेने थे, एक चप्पल लेनी थी और एक शूज़ लेने थे। तो हम लोग फिर लूलू आ गए थे, लूलू से हम लोगों ने चीज़ें लेनी थी सारी, मतलब इनके शूज़ लेने थे। तो हम लोग फिर लूलू आया यहाँ से जाके, हम लोगों ने फिर जैन का एक चप्पल तो मिली नहीं जो पसंद आ रही थी, उसमें साइज़ उनका नहीं था, तो हमें शूज़ मिल गए थे, वो फिर हम लोगों ने लिए। यहाँ पे काफ़ी थोड़ी चीज़ एक्सपेंसिव थी, देखिए 200-250-300 दिरहम की, लेकिन वो 25% ऑफ पे लगी हुई थी। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से उनका एक शूज़ लिया और लेके फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो बस ये हमारा आज के दिन का वीलॉग था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, अपनी राय से हमें आगाह किया करें। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, वो हमें इम्प्रूव करने के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के, आपके कमेंट्स को पढ़ के। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।